हेलो बच्चों, रेप्लिकॉन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी अपनी जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो है आपके सेट पेपर फर्स्ट, सीएसआईआर नेट पार्ट ए, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। और ये जो आज का लेक्चर है ये सीजीएल में भी काम आने वाला है। अभी आज के टॉपिक का नाम रहने वाला है कैलेंडर। कैलेंडर में ना मैंने दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे बोला जाएगा कि आज जैसे 16 अगस्त 2023 है ना, 16 अगस्त 2023 को कौन सा बार है, या किस टाइप से देगा, या फिर कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे 16 अगस्त 2023 को सोमवार है तो उसी कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग 12 अगस्त 1996 को कौन सा बार था। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने देखो कैसे टेकल करना है। सबसे पहले कुछ कोड आपको याद करना है ना, कोड सबसे पहले लिख लेते हैं। जनवरी के लिए होता है 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। तो देखो ये अपने 12 मंथ है और हर मंथ के लिए स्पेशल कोड बना रखा है ना। ये कोड आपके 0 से लेकर 6 तक वैलिड कर सकते हैं, 7 दिन होते थे अभी में। फिर उसके बाद में ये तो हो गई मंथ के कोड, बहुत आसान है ना याद करना। जैसे देखो ये 144 है, ये तो 12 का वर्ग होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 का वर्ग है, 0 25, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 का वर्ग है। 12 5 3 के मतलब याद रखना, बस 12 का 144, 5 का 0 25 हो गया, 6 का 0 36 हो गया, ये 12 मंथ के कोड बन गया ना। अब आपको क्या करना है, कुछ सप्ताह दिनों के नाम लिख देते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं सप्ताह में। अब देखो इनके लिए कोड याद करना बहुत आसान है, 1 से शुरू करना है, 6 तक तो सबको काउंटिंग आती होगी ना, 4 5 6, और सैटरडे के लिए होता है 0 या 7 7, तो कभी सीएस बचे कर दिया 7 लगा देंगे। अच्छा अब उसके बाद में क्या याद रखना है आपको, इसमें आपको जैसे कोई भी दिन दे सकता है, जैसे आज कितनी तारीख है, 23 तारीख है, आपको पूछ सकता है जैसे 23 फरवरी और 2023 इसको कौन सा डे होगा, 23 फरवरी 2023 आज जैसे आपको निकालना हो कि आज कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीन जो वैल्यू होती है उनमें तो कोई दिक्कत आने वाली है, जैसे 23 प्लस 23 डेट है तो 23। अब आगे फरवरी, तो फरवरी के लिए देखो यहाँ से कोड उठाएंगे, फरवरी के लिए कोड कितना है 4, तो हमने यहाँ पे किया 4 प्लस, ये लास्ट के टू डिजिट है ना 23, जो डेट है वो ले लिया, मंथ का कोड लगा लिया, और जिस भी ईयर के लास्ट के जो दो डिजिट है जैसे 1998 है तो क्या लिखोगे इसके लिए 9A। ये हमने 3 डेट लिखने में कोई परेशानी नहीं है, ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना है बस। अब उसके बाद में टोटल 5 वैल्यू लिखी जाती है, इसमें से 3 वैल्यू तो बहुत आसान है। अब जो 5वीं वैल्यू लिखेंगे वो इस लास्ट जो भी ईयर है इससे निकाली जाएगी, तो इसको 2023 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना, दोनों को 4 से डिवाइड करना है, दोनों को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। देखो जब आप इसमें भाग देंगे 4 का तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, जैसे मान लो शेष क्या बच सकता है,
जीरो वन टू थ्री, फोर शेष बच सकता है क्या? फोर शेष नहीं बच सकता है ना, तो ये रिमेनिंग बचेगा ना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और ये है रिमाइंडर के लिए फोर, अगर जीरो शेष बचता है तो उसके लिए कोड होता है सिक्स, वन बचेगा तो इसके लिए फोर, टू बचेगा तो इसके लिए टू, और थ्री शेष बचेगा तो इसके लिए जीरो। समझ में आएगा तीन डिजिट कैसे लिखेंगे, जो तारीख है वो, मंथ का कोड, और जो भी अपना ईयर पूछा है उसके दो डिजिट ये लिखिए। अब देखो चौथे नंबर की वैल्यू कहाँ से लिखनी है आपको, तो जो भी आपको ईयर दी गई है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, और दोनों को चार से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इधर जो फर्स्ट वाले दो डिजिट डिवाइड होंगे चार से, तो शेष बचेगा फिर उस पर फोकस करना है ना, कितनी बार भाग जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल शेष कितना बचा है। तो देखो जब चार का भाग बीच में दोगे तो कितना शेष बचेगा, जीरो, पांच बार पूरा पूरा जाता है तो जीरो शेष बचेगा, तो जीरो का कोड क्या होगा, जीरो का कोड होगा छः। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, छः प्लस, ये चार वैल्यू हुई। अब पांचवी वैल्यू कौन सी रखनी है, जो लास्ट के दो डिजिट है इसमें आप चार से डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, चार पंजे बीस। इसमें हमको फोकस करना है कि भाग कितनी बार गया, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, तो कितनी बार भाग जाएगा पूरा पूरा, पांच बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे आप पांच। समझ में आएगा, तीन डिजिट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चौथे डिजिट को कैसे लिखना है, पांचवे डिजिट को कैसे लिखना है, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो उसको बीस तेईस जो भी वैल्यू है उसको मैं इधर लिख देता हूँ ना, जो भी कोड है वो एक तरफ रहेगा, जैसे 2023 के लिए कैसे निकाला था कोड हमने, तो इसको बीस और तेईस ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दोनों को कितने से डिवाइड किया, फोर से। तो यहाँ तो हम फोकस करते हैं इस पर, शेष यहाँ रिमाइंडर बोलते हैं इसको। और दूसरी तरफ होगा उसका कितनी बार बार शेष का कोड, और इस वाले चौगाने में किसका फोकस कर देंगे, कितनी बार भाग गया। तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, जीरो वन टू थ्री, जीरो के लिए कोड क्या होता है छः, वन के लिए चार, टू के लिए टू, और थ्री के लिए जीरो, ये फोकस करना है ना, रिमाइंडर हो गया उसके कोड हो गए ना ये वाले। अच्छा इसमें क्या फोकस हो गया इस वाले, इसमें कितनी बार भाग गया, तो यहाँ पर कितनी बार भाग गया है, पांच, पांच बार। तो देखो दो हम मिलेंगे ना यहाँ से, तो अपने को शेष कितना मिला, जीरो, जीरो का कोड छह, तो उधर छह लिख दिया, कितनी बार भाग गया, पांच, तो पांच लिख दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ के सबको कितने से डिवाइड करना है, छह बच्चे डिवाइड करना है ना, इसको इधर से मिटा देते हैं, ये मैंने उधर लिख दिया, जो भी कोड निकालने वाली बात है वो सब इधर आ गया। देखो अगर आप काउंट करोगे तो ये होगा तेईस चार सत्ताईस, तेईस तेईस चालीस चार पचास, पचास और छः छप्पन, छप्पन और पाँच इकसठ, इकसठ बट्टे सात, कितनी बार आ गया, सत्तर टू छप्पन, शेष कितना बचा, रिमाइंडर पर फोकस करना है बस, कितना बचेगा पांच, कितना रिमाइंडर बचा है पांच, अगर पांच रिमाइंडर आएगा तो उसके लिए कौन सा बार होगा, रिमाइंडर अगर पांच आता है तो उसके लिए कौन सा बार होगा, थर्सडे, तो आज कौन सा बार है, थर्सडे आज है ना। तो ये तो एक अभी एग्जाम्पल था, अभी एक से समझ में नहीं आता ना, सिर्फ तीन से चार एग्जाम्पल करेंगे फिर आराम से आपको समझ में आने वाला है ना, केवल आप ये चौथी और पांचवी वैल्यू निकालना सीख लो बस, तीन वैल्यू बहुत आसान है, चौथी और पांचवी वैल्यू थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चौथी वैल्यू निकालने के लिए आप भाग दोगे शुरू के दो अंकों में चार का, यहाँ पर तो जो शेष बचेगा उस पर फोकस रखोगे, शेष का यहाँ से कोड निकालोगे आप, और इधर कितनी बार भाग गया, इसको आप क्या बोलते हो, भागफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं,
तो कितनी बार भाग गया है उस पर फोकस करना है बस। मिटा जाए इसको, चलो है ना। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन नोट करना है, जैसे मान लो ज्योति शनि है ना, कब का बर्थडे, ज्योति शनि के बर्थडे की बात करते हैं ना। तो ये कब है, 22 जनवरी 1998 का बर्थडे होगा ना। अब आपको निकालना है कि ज्योति के बर्थडे वाले दिन बाद कौन सा होगा, निकाल पाओगे? चलो आप निकाल के देखो ना, वीडियो को पॉज करके, जब तक मैं ना आपको निकाल के बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको तीन अंकों पे फोकस करना है। सबसे पहले तीन अंक हमने लिखे 22 जनवरी का कोड कितना होगा, 1 जनवरी का कोड होगा 1 प्लस तीसरा डिजिट बताओ, 98 प्लस। अब लास्ट के दो डिजिट कैसे निकालोगे आप, तो जो 1998 है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, दो पार्ट में। कितने से डिवाइड करेंगे, चार से। अच्छा तो आपको बताना है यहाँ पर किस पर फोकस करते हैं, शेष कितना बचेगा। तो देखो 4 के 12 4 4 16 है, शेष बचेगा 3 शेष बचता है, तो 3 का कोड क्या होगा, 3 का कोड यहाँ से देखो 0 0। तो चौथा अंक मिल गया आपको 0, यहाँ पे 3 शेष और कोड कितना है इसका 0 है ना, 3 शेष का। लास्ट डिजिट निकालो, यहाँ पर किस पर फोकस करते हैं, भाग कितनी बार गया ना, यहाँ पे शेष फल से कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे तो भाग फल से कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे शेष फल से कोई मतलब नहीं है। तो कितनी बार भाग गया टोटल, 24 6 तो 24 बार गया भाग, यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 24 डिवाइड बाय कितने से करना है, 7 से। काउंट कितना हो गए, 98 और 22 120 और 121 और 24 125, ये हो गया आपके 125 डिवाइड बाय 7 145 98 कितने हो गए, 120 121 और 24 125 ही होंगे ना, नहीं 145 98 और 22 125 145 को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो देखो 7 × 14 कितनी बार भाग जाएगा टोटल, 7 × 14 = 5 मतलब भाग तो जाएगा 20 बार जाएगा ना, 20 × 7 = 140। शेष कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर पर फोकस करना है आपको, रिमाइंडर कितना बचा, 5 20 × 140 5 शेष बचेगा, और 5 अगर रिमाइंडर बचता है तो 5 के लिए क्या करूंगा, वही थर्सडे। ये तो कोई चेंज हो गया, समझ में आए। लास्ट के दो डिजिट कैसे रखने हैं आपको, ये बस आपको ध्यान रखना है बस, है ना। तो फोर्थ नंबर के लिए तो शेष फल पर फोकस करेंगे और फिफ्थ नंबर के लिए भाग फल पर फोकस करेंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको करने के लिए, जिसका आंसर आपको है ना कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको नोट करवा देता हूँ। तो जैसे विनोद अपना बर्थडे कब का है, 1/7/2001 ये है ना, ये तो विनोद का बर्थडे है, आपको यहाँ देख लाना है ना कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है ना इसका। तो अब कई बार क्या होता है कि लीप ईयर आ जाती है ना बीच में, कोई जैसे ये जो जितनी भी मैंने ईयर लिखी है इनमें से कोई लीप ईयर नहीं थी, जैसे मान लो अब ये लीप ईयर आ गया ना 2000, तो इसके लिए लीप ईयर के लिए कोड जो है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं ना, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं होते, ये तो नॉर्मल ईयर के लिए है। और बाकी लीप ईयर के लिए क्या कोड हो जाते हैं, जैसे 0 का 1 का तो बन जाता है 0 और 4 का बन जाता है 3, बाकी सारे कोड सेम रहते हैं। लीप ईयर में भी केवल 2 मंथ ही लीप माने, कौन कौन से, जनवरी और फरवरी। अगर कोई आपको लीप ईयर दी गई है
लेकिन मंथ जनवरी और फरवरी नहीं दिया है उसमें, तो आपको उसको ऐसे नॉर्मल ईयर ही ट्रीट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक साल 2000 है, होने को तो लीप ईयर है, लेकिन क्या लीप मंथ दिया है कुछ में? लीप मंथ नहीं दिया है। अगर जनवरी फरवरी होती तो आप अपना कोड चेंज करते, बाकी 2 से 3 से लेके 12 तक कोई सारे महीना हो, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब एक क्वेश्चन हम लीप ईयर का और कर लेते हैं ना, इसको मिटाया जाए। कितने मिनट का हो गया? 15। तो विनोद का बटन करना है आपको। अब देखते हैं एक क्वेश्चन लीप ईयर का। लीप ईयर में मैंने क्या बताया आपको, केवल 2 मंथ ही लीप माने गए, कौन कौन से? जनवरी और फरवरी। तो लीप मंथ में अगर जनवरी आती है तो कोड क्या होगा इसका? 0। और फरवरी का? 3। बस ये 2 वैल्यू चेंज होनी है, बाकी पूरी प्रोसेस अभी सेम टू सेम रहेगा जैसे अभी तक सॉल्व किया था। अब बात आती है कि लीप ईयर क्या होती है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि लीप ईयर क्या होती है। लीप वर्ष, अच्छा जितने 4 तो बांधे हैं ना पूरा पूरा, उसको बोलते हैं क्या? लीप ईयर। देखो जैसे ही मैंने आपके सामने लिख दी 2008, तो 2008 में देखो 4 का भाग जाता है नहीं जाता? जाता है ना, तो लीप ईयर है। जैसे 1996 भाग जाता है 4 का पूरा? जाता है, लीप ईयर है। जैसे 2000 जाता है पूरा पूरा 4 का? लीप ईयर है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 1900, लीप ईयर है या नहीं है? देखो 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है नहीं जाता? अपनी शोध देख, देखो नहीं जाता? जाता है। कितनी बार जा रहा है? 475। मतलब पूरी पूरी बार 4 से डिवाइड होती है ना 1900। तो ये लीप ईयर है या नहीं है? लेकिन ये लीप ईयर नहीं है ना। अभी तो क्या डेफिनेशन बताइए, जिस ईयर में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लेकिन अभी मैंने आपके सामने 1900 दिया, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है लेकिन फिर भी ये लीप ईयर नहीं है, तो ये लीप ईयर क्यों नहीं है? जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 1800, 1800 से 4 से डिवाइड करके देखो पूरी पूरी बार डिवाइड होती है नहीं होती? होती है। कितनी बार हो रही है? 450 बार डिवाइड हो रही है ना, पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये 1800 लीप ईयर होगी या नहीं होगी? ये भी लीप ईयर नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 1700 तो ये लीप ईयर है या नहीं है? इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है लेकिन ये भी लीप ईयर नहीं है। तो देखो इसमें क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, आपको कोई नॉर्मल ईयर ऐसे दी गई ना तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप 4 से डिवाइड करके देख लो। लेकिन एक संपूर्ण शताब्दी वर्ष होती है ना, कंप्लीट ईयर आती है, उसमें आपको 400 से डिवाइड करके देखना होता है। जैसे ये 1900, 1800, 1700, 1600, ये 2000, ये इसको हम बोलते हैं संपूर्ण शताब्दी वर्ष। अगर संपूर्ण शताब्दी वर्ष आ जाती है, संपूर्ण शताब्दी वर्ष का मतलब होता है जिसके पीछे 20 आए, जिससे मतलब 100 ईयर पूरे होते हैं ना कंप्लीट, तो उसको आपको 400 से डिवाइड करके देखना होता है। अगर 400 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होगा। जैसे अगर 2000 की बात करें, 2000 में कितने से डिवाइड करना पड़ेगा इसको? 4 से या 400 से? 400 से। 20 आ रही है इसका मतलब ये कंप्लीट ईयर है, तो 400 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा बिल्कुल, इसका मतलब 2000 का लीप ईयर है। लेकिन ये 1900, 1800, 1700, 400 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये लीप ईयर नहीं है। समझ में आ गई लीप ईयर की डेफिनेशन? अगर आपको नॉर्मल कोई भी ईयर दी गई तब तो 4 से डिवाइड करना है, और अगर संपूर्ण शताब्दी वर्ष दी गई है तो 400 से डिवाइड करके देखना है ना, तब जाके पता लगेगा कि लीप ईयर है या नहीं। अच्छा ये तो होगी लीप ईयर की बात, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं लीप ईयर का। जैसे हमने लिख दिया 14 फरवरी 2016, कौन सा डे होगा ना इस दिन? तो देखो यहाँ पे 2016 जो दी गई है लीप ईयर है या नहीं? 2016 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। अच्छा आपको मंथ लीप दिया गया है क्या?
मंथ में रहता है, दो ही मंथ लीप होते हैं, जनवरी और फरवरी। तो मंथ भी आपको लीप वाला दिया है, इसका मतलब अब आपको जो फरवरी का कोड लेना है वो फरवरी का कोड चार हो गया, तीन हो गया, अब आपको तीन लेना पड़ेगा ना लीप ईयर वाला। अगर 2016 की बजाय कुछ और नाम चेंज कर देता, 2017 कर देता तो आपको फिर चार लेना पड़ेगा। तो केवल जनवरी और फरवरी दो ही मंथ लीप होते हैं, वो भी तब लीप होंगे जब लीप वर्ष आएगी तब। तो अब आपको क्या करना है इस केस में, तीन कोड तो सबसे पहले लिखो, कौन कौन से, एक तो आएगा 14 प्लस फरवरी का कितना आएगा 3 लेना पड़ेगा ना क्योंकि लीप है। फिर आएगा 16 प्लस चौथा कैसे लिखोगे, तो चौथे के लिए 20 को डिवाइड करो 4 से, शेष कितना बचा 4 × 20 जीरो, शेष बचा जीरो का कोड 6, ये हो गया आपका 6। पांच का पता करो 16 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 × 16 7 से करो डिवाइड कितना है जोड़ के 14 × 16 30 30 × 3 33 33 × 6 48 49 × 4 43। हाँ तो 7 × 42 कितना शेष बचा 1, तो रिमाइंडर हुआ कितना 1। तो एक रिमाइंडर बचे तो कौन सा बार होगा, नहीं ये तो बहुत बढ़िया बार आ गया ना, वैलेंटाइन वाले दिन संडे सोने का स्वागत। चलो ना ये तो हो गया नॉर्मल जो क्वेश्चन करते हैं वो, अब क्वेश्चन करेंगे फेक कैलेंडर वाला, है ना, आपको किसी ईयर का फेक कैलेंडर दे देगा, तो आपको फेक कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या निकालना होगा, आंसर निकालना होगा। मिटा दे इसको, आपको वो ऐसे अपने मन से मनगढ़ंत बना के दे देगा कि किसी कंट्री में किसी कंट्री में कोई कैलेंडर था वहां का, तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग वहां पर 15 अगस्त को कौन सा वार था, संडे था। मतलब कोई कंट्री में कोई कैलेंडर चलता है तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1948 को कौन सा बार है, संडे है, तो उसी कैलेंडर में 23 फरवरी 2023 को कौन सा बार होगा, मतलब अपने मन से मनगढ़ंत बना के दे दिया उसमें कैलेंडर। पहले पता करो कि एक्चुअल में 15 अगस्त 1948 को संडे था या नहीं था, अगर 15 अगस्त 1948 को संडे नहीं है तो कैलेंडर फेक है। तो देखो 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले पता करो ना क्या बार होगा, 15 अगस्त 1947, तो 15 प्लस अगस्त का कोड कितना होगा 3 प्लस 47 प्लस चौथा डिजिट कहाँ से लाओगे, तो 4 से डिवाइड करो 19 को, 4 × 3 = 16 30 शेष बचेगा 3 का कोड 0 प्लस 48 है क्या,
तो ये तो 19 को कोई जीरो रहेगा, 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12 चौके 48 डिवाइड बाय 7, तो कितना हो रहा है जोड़ के, 48 और 12 60, 60 और 3 63, 63 और 73 5 82, वो 73 5 78, तो कितना हो रहा है जोड़ के, 78 हो रहा है ना, तो 78 को डिवाइड करो 7 से, कितना आएगा 11 77 77, कितना शेष बचा, एक रिमाइंडर, कितना बचा एक रिमाइंडर, बचा एक, और रिमाइंडर एक बचे तो कौन सा बार होगा, तो ये तो को इंसिडेंट लग गया, तो संडे ही कर गया ना उस दिन, तो अब आपको संडे नहीं दिया जाएगा, मैंने यहाँ पर क्या दिया जाएगा, मान लो कि 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन दिया गया था आपको, थर्सडे दिया गया था, झूठ बोल रहा है ना ये कैलेंडर वाला, दिन तो कौन सा दिन संडे है, और ये क्या बता रहा है दिन थर्सडे बता रहा है, चलो आपने इसका झूठ पकड़ा, अपने अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए संडे होना चाहिए, और ये क्या बता रहा है थर्सडे बता रहा है ना, तो देखो संडे का अकाउंट कितना था वन, थर्सडे का कितना था फाइव, मतलब ये 4 डे आगे चल रहा है ना, 1+4 करोगे तो 5 आएगा ना, मतलब इसका जो कैलेंडर है वो 4 दिन आगे चल रहा है, अपने अकॉर्डिंग उस दिन क्या रहा है संडे, और उसके अकॉर्डिंग क्या रहा है थर्सडे, तो ये कैलेंडर 4 दिन आगे चल रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने इसका झूठ पकड़ लिया, कितना सफेद झूठ बोला इसने 4 दिन का सफेद झूठ बोला इसने ना, कितना डिफरेंस आया 4 डे का, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप नॉर्मल जैसे निकाल देते हैं, जैसे 23 फरवरी 2023 को निकालना है, तो जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो वैसे निकाल लो 23 फरवरी 2023 को क्या होगा, और उसके बाद में इसने अगर 4 का झूठ बोला है तो आपको भी कितने का झूठ बोलना है 4 का, तो देखो 23 फरवरी 2023 को निकालते हैं, ट्वेंटी थ्री प्लस फरवरी का कोड क्या होगा 4 प्लस 23 प्लस चौथा डे कैंसिल आओगे, 4 से डिवाइड करो 20 को, 0 से बचा 0 का कोड 6 प्लस 23 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बनेंगे 20 डिवाइड बाय 7, तो ये हो गया 23 23 40 40 और 4 50 50 और 6 56 56 और 5 61, कितना बचेगा 70 56 5 बचेगा शेष, 5 शेष बचेगा है ना, 5 शेष बचता है तो कौन सा बार आएगा थर्सडे आएगा, लेकिन इसमें कितना झूठ बोला है 4 दिन था, तो अपने को भी 4 दिन बढ़ाने पड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 दिन बढ़ाने पर, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे, तो कौन सा बार होगा मंडे, वैसे तो होना चाहिए थर्सडे अपने अकॉर्डिंग तो, लेकिन इसमें प्लस 4 ऐड करोगे तो कौन सा बार हो जाएगा मंडे, मंडे, तो जितना झूठ इसने बोला है एग्जैक्ट उतना ही झूठ आपको ऐड करना है, समझ में आ गया, तो अगर फेक कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो कर पाओगे आप, कर पाओगे ना बिल्कुल, तो ये मेनली दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, थोड़ा सा एक और याद कर लेना, किसी भी मिटा लेते हैं इसको, देखो एक नोट लगा कर लेना एक बार, कोई साधारण बस जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन समाप्त होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी नॉर्मल वर्ष में जो 1 जनवरी को डे होगा वही डे कब होगा 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दिन समान होता है, जैसे मान लो कि अभी 2023 चल रही है,
तो 1 जनवरी को क्या संडे था इस बार? मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2023 को संडे है, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा बार होगा? संडे होगा, है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे ये साल अगर सोमवार से या मान लो सोमवार से स्टार्ट हुई, तो नेक्स्ट साल जो है किस दिन से स्टार्ट होगी? मंगलवार से, क्योंकि उसी दिन समाप्त हो रही है, तो एक दिन पड़ जाता है ना। लेकिन अगर ये लीप ईयर हो तो लीप ईयर में क्या होगा? जैसे मान लो 1 जनवरी को अगर संडे है, 31 दिसंबर को क्या होगा? अभी बढ़ा लो उसमें, फरवरी 28 या कितने की हो जाती है उसमें? 29 की। तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा फिर? मंडे। तो साल कब शुरू होगी दूसरी वाली? मंडे को, है ना। तो ये तो आपको ध्यान रखना है जी। ये कब काम आती बात है? जब उसी कैलेंडर ईयर में पूछता है ना क्वेश्चन। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बार 1 तारीख को होता है वही 7, 15, 1, 8, 15, 22 और 29 इनको सेम डे होता है। जैसे आपको दे दिया उसने कि 1 जनवरी 2020 को संडे है, तो 15 फरवरी 2020 को कौन सा डे होगा? तो अब आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब इसी से काम निकल सकता है। जैसे मान लो उसने दिया 1 जनवरी को क्या दिया? संडे दिया। और आपको 15 फरवरी को पूछा है वो, तो अब देखो बहुत कम गैप कितना है, 1 महीना और 15 दिन। अगर आप एक एक दिन में बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और उस कैलकुलेशन से करोगे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब इस कंडीशन में टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, उंगलियों पे कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे 1 जनवरी को संडे है, तो 1, 8, 15, 22, 29 को सैटरडे होता है, तो 29 जनवरी को क्या होगा? 1 को संडे, 29 को भी क्या होगा? संडे होगा। 30 को मंडे, 31 को वेडनेसडे, और 1 को फ्राइडे। 1 को फ्राइडे है तो 15 फरवरी को भी क्या होगा? सेम डे होगा, फ्राइडे होगा, है ना। तो इसमें आपको पेन से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 30 40 50 60 दिन तक पूछता है तो आप इससे करोगे ना, सॉल्व फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आपको दो क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन तो विनोद के बर्थडे का निकालने के लिए दिया है, तो आपको बताना है विनोद का बर्थडे कब था। अब एक मनीष कुमार का बर्थडे बताना है ना आपको, कब है मनीष कुमार की वो डेट ऑफ बर्थ? 2 जुलाई 1996। ये हमारे मनीष कुमार जी का बर्थडे है ना, 2 जुलाई 1996। तो दोनों का आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में आपको लिख के बताना है ना, विनोद का बर्थडे इतने को है और मनीष का बर्थडे इतने को है। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको थोड़ा सा इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी करवाएं। सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है इसमें।